है गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम थ्योरी के सेकंड पार्ट के बारे में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था उसमें हमने थ्री मेथड्स किए थे प्योर स्ट्रेटजी में मिनी मैक्स मैक्स प्रिंसिपल मेथड मिक्स्ड स्ट्रेटजी में ओड्स मेथड और डोमेन्स मैथड इसमें हम इक्वल गेम थ्योरी मतलब इक्वल गेम मैथड के बारे में बात करेंगे ये तीन मैथड्स हमारे कवर हो चुके हैं तो चलिए इसको अब देख लेते हैं हम तो ये है हमारे पास इक्वल गेम मेथड इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे इक्वल गेम मेथड इक्वल गेम मेथड इज इक्वल टू ओड्स मेथड हमने ओड्स मेथड पहले किया हुआ है हमने कवर किया है अपनी फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में सो so, आपको पहले ओड्स मेथड आना चाहिए जी अगर ओड्स मेथड नहीं आता तो आपको इक्वल गेम मेथड सॉल्व करना इजी नहीं लगेगा इसलिए मैं रिकमेंड यही कहूँगा कि पहले आप ओर्ड्स मेथड को अच्छी तरह समझ कर आइए हमारी पहले वाली वीडियो में ये पार्ट कवर हो चुका है तो इसमें हम ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं करेंगे इक्वल गेम मेथड जो है वो ओर्ड्स मेथड के बराबर है बट टेक्निक टू सोल्व इज़ डिफ़रेंट दोनों कैलकुलेशन करने पर आंसर तो सेम आएगा दोनों का लेकिन इसको सोल्व करने की टेक्निक जो है वो डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है इसमें हमारे पास कैलकुलेशंस थी फॉर्मूला था लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बिना फॉर्मूले के आपको आंसर फाइंड आउट करना सिखाया था लेकिन इसमें फार्मूला है और वो फार्मूला यूज़ भी होगा बिना उस फॉर्मूले के आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इट रिक्वायर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी और कुछ इक्वेशंस होंगी उस इक्वेशंस को हम यूज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे तो चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है सोल्व दी फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम यूजिंग इक्वल गेम मेथड। इक्वल गेम जैसे कि दो रो और दो कॉलम है ओड मेथड में भी दो रो और दो कॉलम ही होती हैं इसको हम ओड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन इधर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इक्वल गेम मेथड से करना है तो हम इसमें इक्वल गेम मेथड ही यूज़ करेंगे तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको पहले हम इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं प्लेयर बी के लिए और प्लेयर ए के लिए वन टू वन एंड टू फोर वन टू थ्री और मेथड में हम इधर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे कुछ इसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट करनी है लेकिन टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है अभी फाइंड आउट करनी है इसलिए हम इसको एक अल्फाबेटिकली कोई नेम दे देंगे जैसे इसको पी वन इसको वन माइनस पी वन इसको क्यू वन इसको वन माइनस क्यू वन अब मैंने पहले बताया था कि इसमें हम एक इक्वेशन लगाएंगे और उसे हम सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या है वो इक्वेशन होगी कि हम इस रो को फोर और टू को मल्टीप्लाई करेंगे इस सॉरी कॉलम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ मतलब फोर मल्टीप्लाई पी वन फोर मल्टीप्लाई पी वन प्लस टू मल्टीप्लाई वन माइनस पी वन ऐसे हम इक्वेशन पूरी कर लेंगे बीच में इज इक्वल टू इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इससे साथ वन मल्टीप्लाई पी वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन माइनस पी वन इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं जो हमारे पास सोल्व करने पर आंसर आएगा वो p1 आएगा क्योंकि तो p1 ही यूज हो रहा है इसलिए p1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है अब इसको सोल्व कर लेते हैं ये आएगा फोर पी वन प्लस टू माइनस टू पी वन इज इक्वल टू पी वन प्लस थ्री माइनस थ्री पी वन इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं फोर पी वन माइनस टू पी वन यह आ जाएगा टू पी वन प्लस टू इज इक्वल टू पी वन माइनस थ्री पी वन मतलब माइनस टू बी पी वन प्लस थ्री अब इस इक्वेशन को पूरा सोल्व कर लेते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और जो बिना अल्फाबेटिकल हैं जो न्यूमेरिकल हैं वो एक तरफ जैसे ये है टू पी वन माइनस इक्वेशन इज इक्वल टू इधर आके हो जाएगी प्लस की थ्री टू पॉजिटिव का इज इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा माइनस का ये आ जाएगा फोर पी वन इज इक्वल टू वन हमारे पास p1 की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर सो ये हम वैल्यू अब अपनी इक्वेशन में लिख देंगे ये है हमारे पास p1 तो हमारी वैल्यू क्या आ गई p1 की वन बाई फोर जैसे हमने p1 की वैल्यू फाइंड आउट की अब p1 की वैल्यू यूज़ करके हम वन माइनस पी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे मतलब इधर भी हमारी जो है इक्वेशन सोल्व हो जाएगी बस एक बार कैलकुलेट करने के बाद एक बार कैलकुलेशन करने के बाद हमारी p1 से ही वन माइनस पी की वैल्यू भी सोल्व हो जाएगी P1 की जगह अब हम ये यूज़ कर लेंगे बस मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थ्री बाई फोर सो हम ये वैल्यू इसके सामने लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी थ्री बाई फोर फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई फोर सेकेंड की प्रोबेबिलिटी क्या है थ्री बाई फोर ऐसे ही अब हम इसकी भी कैलकुलेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई किया था अब इसमें हम रो को रो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी देख लेते हैं हम सो रो मल्टीप्लाई बाय रो फोर मल्टीप्लाई बाय क्यू वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस क्यू वन इज इक्वल टू अब ये वाली रो टू मल्टीप्लाई क्यू वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन माइनस क्यू वन इसको भी हम अब सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं फोर क्यू वन माइनस क्यू वन थ्री क्यू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू क्यू वन माइनस थ्री क्यू वन माइनस वन क्यू वन प्लस थ्री थ्री क्यू वन प्लस वन क्यू वन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन ये हो जाएगा फोर क्यू वन इज इक्वल टू टू तो हमारे पास क्यू वन की वैल्यू आ गई टू अपॉन फोर मतलब कि वन बाई टू इसको हम इधर लिख लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई वन बाय टू जैसे इसकी आई वैसे अब हम इसकी भी कैलकुलेट कर लेंगे सेम फॉर्मूले के साथ वन माइनस क्यू वन केव वन की जगह हम हम यूज़ करेंगे वन बाय टू तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम वन बाय टू आ गई इसकी वैल्यू क्या आई वन बाय अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन है वो सोल्व हो चुकी है अब हम इसको प्रोबेबिलिटी के तौर पर लिख लेते हैं ये बी के लिए और ये ए के लिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड ये थी फोर टू वन थ्री जब हम ओड मेथड लगाते हैं तभी हमारे पास ऐसे ही आंसर आ जाएगा तो so, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो आ गई लेकिन वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास अभी तक नहीं आया इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है हमने जो पहली इक्वेशन लगाई थी जिससे हमारा आंसर इन दोनों का आया था हम इसको यूज़ करेंगे वैसे तो जोन सी मर्जी इक्वेशन यूज़ करते हैं चाहे इसको भी यूज़ करो जिससे हमारा ये वाला आंसर आया था चाहे हम इसकी इक्वेशन को यूज़ कर लें जिससे हमारा वन बाई फोर और थ्री बाई फोर आंसर आया था हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे हमारी जो इक्वेशन थी वो थी कॉलम मल्टीप्लाई बाई कॉलम लिख लेते हैं हम फोर पी वन प्लस टू वन माइनस पी वन ये थी हमारे पास इक्वेशन अब हम इसको क्यों वन से मल्टीप्लाई कर देंगे बस एक डिफरेंस है बीच में साइन इज इक्वल टू की जगह प्लस का आ जाएगा सेम अब इसको वन मल्टीप्लाई पी वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन माइनस पी वन इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस क्यू वन से सिर्फ इतना डिफरेंस है के वन से मल्टीप्लाई किया और वन माइनस क्यू वन से मल्टीप्लाई किया बाकी सब कुछ सेम है ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू की जगह हमने प्लस का साइन यूज़ किया इधर Q1 वन और इधर वन माइनस क्यू वन इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ गेम होगी और तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं फोर मल्टीप्लाई पी वन फोर पी वन प्लस टू माइनस टू पी वन इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्यू वन से प्लस पी वन प्लस थ्री माइनस थ्री पी वन इसको मल्टीप्लाई करना है वन माइनस क्यू वन से अब इसको सोल्व करने के बाद हम इसको क्यू वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पूरे को वन माइनस क्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर पी वन मल्टीप्लाई क्यू वन सो ये हमारे पास फर्स्ट सोल्व हो गई अब सेकेंड को सोल्व करते हैं पहले इस पूरी इक्वेशन को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन से मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आएगा अब माइनस क्यू वन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस पी वन क्यू वन माइनस थ्री क्यू वन प्लस माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस थ्री पी वन क्यू वन अब इस पूरी इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं फोर पी वन क्यू वन माइनस टू पी वन क्यू वन मतलब टू पी वन क्यू वन इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस अब इस इक्वेशन को पूरा सोल्व कर लेते हैं इसमें पी वन की और कोई वैल्यू है ये नहीं मतलब पी वन माइनस थ्री पी वन सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टू पी वन प्लस थ्री इसके साथ और कोई इक्वेशन नहीं है सिर्फ प्लस थ्री यहाँ तक हमारी सोल्व हो गई अब इसमें से हम देखते हैं पी वन क्यू वन कोई है ये रहा पी वन क्यू वन माइनस पी वन क्यू वन प्लस थ्री पी वन क्यू वन मतलब प्लस टू पी वन क्यू वन अब थ्री क्यों नहीं है इस इक्वेशन में तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई अब हम इसको सोल्व कर लेंगे पहले इसको पूरा लिख लेते हैं बिना ब्रैकेट्स के अब इन इक्वेशंस में जो सोल्व हो सकते हैं हम उसको सोल्व कर लेंगे जैसे टू पी वन क्यू वन टू पी वन क्यू वन प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा फोर पी वन क्यू वन उसके बाद टू क्यू वन माइनस थ्री क्यू वन माइनस होके वन क्यू वन इनके साथ और कोई नहीं है इसके साथ भी और कोई नहीं इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसमें हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट की थी प्रोबेबिलिटी वाली से सो हमारे पास जो वैल्यू आई थी पी वन की वन माइनस पी वन की और क्यू वन और 1 माइनस क्यू की हम इसको इधर लिख लेते हैं ताकि हमें कन्वीनियंस हो जाए जो हमारे पास पी वन की वैल्यू आई थी वो है वन बाई फोर जो वन माइनस पी वन की आई थी थ्री बाई फोर वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं उसके बाद क्यू वन की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो है वन बाई टू सो वन बाई टू अब हम इन तीनों को वैसे तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इनकी है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है चाहे इसको ना भी लिखो अब इसको और इसको यूज करके हम इस वैल्यू में पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ गेम सो फोर इंटू पी वन पी वन की वैल्यू हमारे पास है वन बाई फोर क्यू वन वन बाई टू माइनस वन मल्टीप्लाई क्यू वन माइनस टू मल्टीप्लाई पी वन प्लस थ्री अब इसको सोल्व कर लेते हैं यही रह गया वन बाई टू वन बाई टू माइनस इसको वन बाई टू प्लस थ्री अब इनको माइनस करने पर ज़ीरो आ गया आंसर जी इसको सोल्व करेंगे तो ज़ीरो दिख नहीं रहा थोड़ा सा ऊपर हम्म अब ठीक है इसको माइनस करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो माइनस वन बाई टू प्लस थ्री इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेते हैं टू वन सिक्स इधर माइनस आएगा सो ये हमारे पास आ गया फाइव बाई टू सो हमारी ये है वैल्यू ऑफ गेम फाइव बाई टू सो हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई फाइव बाई टू अब इसको सब कुछ सोल्व करने के बाद सारी इक्वेशन सोल्व करने के बाद पहली इक्वेशन थी मल्टीप्लाई पी वन वन माइनस क्यू वन प्लस वन माइनस पी वन फिर उसके बाद इसके साथ फिर इसके साथ सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आ गई थी अब कोई एक इक्वेशन को हमने उठाया था उसमें हमने क्यू वन वन माइनस क्यू वन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ़ गेम आ गई थी अब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो हमने पेपर में आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है फिर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ गेम जो हमारे पास आई है फाइव बाई टू फिर उसके बाद लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज़ फॉर प्लेयर ए वन टू स्ट्रेटजी वन स्ट्रेटजी टू जो आई हाँ है वन बाई टू थ्री बाई फोर ऐसे ही प्लेयर बी प्रोबेबिलिटी फॉर स्ट्रेटजी वन स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी वन के लिए हमारे पास आइए वन बाई टू स्ट्रेटेजी टू के लिए हमारे पास आइए वन बाई टू सो ये हमारे पास पूरा आंसर होगा बस आपने इसमें स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने बताए तो आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा चाहे वो कोई भी सम हो एक बार फिर से बता देते हैं जो फर्स्ट स्टेप था प्लस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा जो सेकंड स्टेप था प्लस जो आंसर आएगा इन दोनों में से जो इक्वेशन आपने चूज करनी है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर देना है जे अगर आपने इसकी इक्वेशन चूज़ करनी है तो के वन से और वन माइनस के वन से मल्टीप्लाई करना है अगर आपने इनकी इक्वेशन चूज़ करनी है तो आपने टी वन वन माइनस पी वन से मल्टीप्लाई करना है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी ब्रीफली आपको ये हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन सोल्व करने में अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना ना भूलें कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर फ्यूचर लर्निंग्स थैंक्स